लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में सीएम अखिलेश का भाषण, कहा नेताजी ने मुझे बनाया और जिम्मेदारी सौंपी। अखिलेश ने किया प्रस्तावों को का स्वागत, कहा नेताजी का सम्मान अब पहले से ज्यादा करूंगा। अखिलेश ने फिर से मुलायम के खिलाफ साजिश की बात दोहराई, कहा पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों का करेंगे सामना। अखिलेश ने याद किया अपना और मुलायम सिंह यादव का रिश्ता, बोले पिता और बेटे के बीच कोई नहीं आ सकता। कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करने के साथ बोले अखिलेश, पार्टी बचाने के लिए लेंगे कोई भी फैसला। समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में शिवपाल पर बोला रामगोपाल यादव ने हमला, कहा प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर की मनमानी। रामगोपाल यादव ने भाषण में दो लोगों पर साजिश रचने का लगाया आरोप, कहा अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। अधिवेशन में रामगोपाल यादव ने अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का किया ऐलान, मुलायम को पार्टी का शीर्ष नेता बनाने की मांग। अधिवेशन में शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग, अमर सिंह को पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग। अखिलेश को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का भी प्रस्ताव, जल्द निर्वाचन आयोग को दी जाएगी सूचना। समाजवादी पार्टी में सुलह के बाद फिर से विवाद गहराया, पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले शिवपाल ने की मुलायम से इस्तीफे की पेशकश। मुलायम के अधिवेशन में जाने से पहले मुलाकात करने पहुंचे शिवपाल, मुलायम को अधिवेशन में जाने से रोका। शिवपाल यादव के समर्थकों ने चिट्ठी की जारी, चिट्ठी में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को बताया असंवैधानिक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कई विधायकों के होर्डिंग से गायब, शिवपाल का फोटो। अधिवेशन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे, नरेश अग्रवाल भी दिखे। इससे पहले कल 24 घंटे में खत्म हुआ समाजवादी पार्टी का हाई वोल्टेज ड्रामा, टूटने से बची समाज पार्टी से अखिलेश और रामगोपाल का निष्कासन रद्द। समाजवादी पार्टी में सुलह की खबरें, अखिलेश सुनना चाहता है, सुनाना चाहता है लेफ्ट। डी राजा बोले शिवपाल ने सब कुछ ठीक होने की बात कही, लेकिन अखिलेश की खामोशी टूटने का इंतजार। समाजवादी पार्टी के झगड़े में कांग्रेस ने अखिलेश को बताया सबसे बड़ा नेता, कहा मुलायम को छोड़। नोटबंदी पर आरबीआई का एक और नया फैसला, विदेश में रहने वाले कुछ लोगों को दिया नोट बदलने का एक और मौका। 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के बाहर रहने वाले लोग बदल सकेंगे अपने नोट, ऐसे लोगों को 31 मार्च तक नोट बदलने की छूट। कैश की किल्लत के बीच आज से थोड़ी राहत की खबर, आज से एटीएम से एक बार में निकलेंगे 4500 रुपए, लेकिन सप्ताह में निकासी सीमा अभी भी 24000। इंदौर में स्वयं सिद्ध महिला कोऑपरेटिव बैंक पर आयकर का छापा, 10 करोड़ के हेरफेर की खबर, मंत्री अर्चना चिटनिस हैं बैंक की संचालक। नोटबंदी पर पीएम की दी मियाद खत्म, लेकिन लोगों को ज्यादा राहत नहीं, मिदनापुर में बिक्री घटने से पीतल कारोबारी परेशान, पत्तल कारोबारी परेशान।